YouTube चैनल पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में फिर से मैं ट्यूटोरियल गुरुजी कार्ड मैजिक ट्रिक लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। और यार कार्ड के साथ हम क्या कर सकते हैं ना, कार्ड के साथ बहुत सारे टाइम पे बहुत सारे अलग अलग मैजिक करके दिखा सकते हैं। तो आज इतना बेहतरीन मैजिक मैं लेकर आया हूं, लेकिन इजीली कोई भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत कार्ड के बारे में आपको पता चलना चाहिए, यानी कि कार्ड के बारे में अगर आपको नॉलेज है तो इजीली आप इस ट्रिक को कर सकते हो और कर सकते हो सबको हैरान। तो चलो यार शुरू कर लेते हैं आज के मैजिक। मेरे पास है 52 कार्ड, इसमें से मैं किसी भी चार कार्ड को पसंद के लेता हूँ। तो जैसे कि 3 कार्ड ले लेता हूँ, एक 5 और एक 2 और एक 21। तो यहाँ पर टोटल मैंने चार कार्ड को पसंद किया है, जैसे कि आप देख सकते हो 3, 5, 2 एंड 21। इन चार कार्ड को मैं उल्टा करके पीछे ले लेता हूँ, और पीछे लेने के बाद मैं इस चार कार्ड को आपको सबसे पहले एक बार एक एक करके दिखा देता हूँ। दिस इज 3 एंड 5 एंड 2 एंड 21। ओके, तो यहाँ पर टोटल चार कार्ड आपको देखने को मिल रहा है, और इस चार कार्ड को जब भी मैं ऑफ करता हूँ और मैजिक पावर देता हूँ, जस्ट 1 turn, बूम मैजिक। तो आप देख सकते हो यार सारे के सारे 21 बन जाता है, जस्ट 1 एंड जस्ट 2 एंड जस्ट 3 एंड जस्ट 4। वाओ, दिस इज अमेजिंग। तो यार चलो अब हम सीखेंगे इस मैजिक का राज क्या है। उससे पहले अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज एक लाइक यार कंप्लीट क्या करो। आप लोग इतनी लाइक काम कर रहे हो यार, आजकल वीडियो बनाने में बिल्कुल मूड ही नहीं आ रहा है, क्या कर रहे हैं आप लोग यार। प्लीज लाइक कंप्लीट क्या करो और वीडियो को पूरा देखा करो। चलो सीखते हैं मैजिक को कैसे किया जाता है। तो चलो अब हम रिवील करने वाले हैं ये कार्ड मैजिक ट्रिक कैसे हुआ। तो सबसे पहले आपको जो करना होता है वो है सेटअप। इसका सेटअप क्या है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको जो करना है वो है किसी भी 3 कार्ड को चॉइस कर लेना है, और उसको आपको 3 कार्ड्स सीधा करके पीछे रखना है। ओके, पीछे डेक के बिल्कुल पीछे आपको इस तरीके से 3 कार्ड रख देना है, और उसके साथ एक्स्ट्रा कोई भी एक कार्ड जो भी हो नो प्रॉब्लम, 4 कार्ड आपको लेना है, 3 इक्का कार्ड और एक डिफरेंट कोई भी कार्ड हो सकता है। और इस 4 कार्ड को आपको पीछे रखने के बाद थोड़ा सा आगे पीछे करके रखना है। ओके, इजी। अब हम इस डेक को पूरा का पूरा उल्टा कर देंगे। इधर से आप देख सकते हैं 4 कार्ड यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है जो थोड़ा सा आगे हैं, और इधर से दिखाते हैं तो किसी को कुछ पता नहीं चलता। और ये जो एक इक्का है, कोई भी इक्का सब कर सकते हैं, उसको बिल्कुल बीचों बीच सामने कहीं पर आप रख दीजिए और बीच में डाल दीजिए। अब यहाँ से स्टार्ट कीजिए कि देखिए मैं यहाँ से मैजिक दिखा रहा हूँ, तो मुझे यहाँ से 4 कार्ड लेना है। तो जैसे कि कोई भी कार्ड ले सकते हैं, 2 एंड 3 एंड किंग एंड चलो 21, तो आपको इस तरीके से लेना है, और 21 जो है सबसे आखिर में होना चाहिए, ठीक है। और फिर इस 4 कार्ड को आपको बाहर करके लोगों को दिखाने के, देखिए मैंने 2, 3, किंग और 21 को लिया, और 4 कार्ड को आपको बिल्कुल बराबर करने के बाद इसको उल्टा करके आपको पीछे रखना है, बिल्कुल पीछे, ठीक है। तो हम पीछे इसको रख देते हैं, और जब भी पीछे रख देते हैं तो हम इसको उल्टा करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये थोड़ा सा कार्ड आगे पीछे, यस, जो मैंने पहले से 4 कार्ड रखा था वो भी है, और साथ में जो 4 कार्ड अभी अभी मैंने लिया वो कार्ड भी है। तो यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर थोड़ा सा आगे पीछे है। तो टोटल इसमें कितना कार्ड्स हैं, इधर मैंने पीछे 4 रखा था और अभी 4 कार्ड लिए, तो टोटल 8 कार्ड आगे पीछे हैं। तो हम जब भी उल्टा करते हैं, उल्टा करने के बाद हम थाम के मदद से इस तरीके से 8 कार्ड को अलग कर लेते हैं, और जो पिंकी फिंगर है उसको हम डाल देते हैं बीच में। ओके, यहाँ पर हम डाल देते हैं तो ये कार्ड अलग हो जाता है, जस्ट वॉच। ओके, और हम इस सारे कार्ड को एक जगह कर लेते हैं और फिर इसको एक साथ हाथ में उठा लेते हैं। बट आप सोचते हैं यहाँ पर टोटल हमारे पास 4 कार्ड होगा, बट एक्चुअली अभी हमने जो 4 कार्ड लिया वो तो है ही, साथ में अदर्स जो 4 कार्ड मैंने पहले पीछे रखा था वो भी साथ में है। तो टोटल हमारे हाथ में अभी 8 कार्ड है, टोटल 8 कार्ड होता है। हम इस तरीके से थाम के मदद से इस तरीके से उठा लेते हैं और एक एक करके कार्ड आपको दिखाते हैं, जस्ट 1, 2 एंड 3 और 4। आखिर में आपको लगता है कि मेरे पास 1 कार्ड है, बट एक्चुअली यहाँ पर हमारे पास टोटल 5 कार्ड है। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको और ओपन नहीं करते हैं, डायरेक्टली इसको यहाँ पर हम रख देते हैं। और जब भी हम इस तरीके से ऑफ करते हैं तो आप सोचते हैं हमारे पास 4 कार्ड है, इसके अलावा कुछ भी कार्ड नहीं है, फिर मैजिक पावर दिखाते हैं और दिखाते हैं 1, 2, 3 एंड 4, बाकी कार्ड सारे जो है 21 बन गया। बट एक्चुअली देख सकते हैं ये सारे कार्ड जो मैंने लिया था वो ये 3 कार्ड यहाँ पर छुपा होता है,